लाला लाजपत राय जिला एवं मुक्त सुधार गृह धर्मशाला में जेल प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। जेल प्रशासन द्वारा शुरू की गई पहल के अनुसार अब जेल कर्मचारी भी कैदियों द्वारा बनाए गए गमलों को खरीदेंगे और उनमें जेल कर्मचारी फूल उगाएंगे। जिन कर्मचारियों के गमलों में अच्छे फूल लगेंगे, जेल प्रशासन उन कर्मचारियों को अपनी ओर से सम्मानित करेगा। ये जानकारी लाला लाजपत राय जिला एवं मुक्त सुधार गृह धर्मशाला के उप अधीक्षक विकास भटनागर ने दी। जेल उप अधीक्षक विकास भटनागर का कहना है कि जेल प्रशासन द्वारा एक पहल शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि पहल के अनुसार जेल के प्रत्येक कर्मचारी कैदियों द्वारा अपने हाथों से बनाए सीमेंट के गमलों को खरीदेगा और उन गमलों में फूल के पौधे लगाएगा। जिन कर्मचारियों के गमलों में अच्छे फूल खिलेंगे, उन कर्मचारियों को जेल प्रशासन अपनी ओर से सम्मानित करेगा। इतना ही नहीं, कर्मचारियों द्वारा खरीदे गए गमलों पर उनका नाम भी लिखा जाएगा। जानकारी के अनुसार जेल में बंद कैदियों द्वारा बनाए गए गमले बाजार में 150 रुपए के बेचे जा रहे हैं, लेकिन जेल प्रशासन अपने कर्मचारियों को 100 रुपए में उक्त गमलों को बेचेगा। जेल उप अधीक्षक का ये भी कहना है कि जो कर्मचारी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, वे कर्मचारी 5 वो जो बॉर्डर लाइन में रहते हैं, उन्हें केवल एक गमला दिया जाएगा जिसमें वे कोई भी फूल का पौधा उगाएंगे। लाला लाजपत राय जिला एवं मुक्त सुधार गृह धर्मशाला के उप अधीक्षक विकास भटनागर ने कहा कि जेल में नई पहल शुरू की गई है, जिसमें अब जेल के अंदर कैदियों द्वारा बनाए गए गमलों को कर्मचारी भी खरीदेंगे। इतना ही नहीं, जो कर्मचारी गमलों में अच्छे फूल उगाएंगे, उन्हें जेल प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सोच है कि चैरिटी बिगिंस विद होम, तो हम लोगों ने जो ये गमले बनाए हैं, तो इसकी पहल हमने यही करी है कि हमारे स्टाफ सबसे पहले इसको खरीदे, और जो भी हमारे स्टाफ है, जैसे जो वार्डर लाइन में रह रहे हैं वार्डर्स, वो एक एक गमला खरीदें, एक एक पौधा अपना लगाएं, उस गमले के ऊपर उनका नाम भी लिखा जाएगा और वो उस गमले को पालें, पौधे बड़ा करें, पौधे को बड़ा करें। और जो हमारा रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में जो स्टाफ रह रहा है, वो कम से कम 5-5 गमले खरीदें, और इस सोच को जो है बड़ा वेलकम किया गया हमारी स्टाफ की तरफ से भी, और उन्होंने बड़ा जोश दिखाते हुए सबने परचेजिंग करी है। और इसके पीछे एक और ये सोच भी है कि जब हम लोगों ने यहीं रहना है, इसी इंस्टीट्यूट में रहना है, तो इस तरह से अपना कैंपस ब्यूटिफिकेशन की तरफ भी ये एक प्रयास रहेगा।